रायपुर में आमरण अनशन पर बैठे एक संविदा कर्मचारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, वह बेहोश होकर मंच पर गिर पड़ा, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। मामला नवा रायपुर से चल रहे संविदा कर्मचारी के हड़ताल से जुड़ा हुआ है। यहां 3 प्रदर्शनकारी नियमितीकरण की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक कर्मचारी की शुक्रवार को तबीयत बिगड़ गई। बेहोश होकर गिरने से संविदा कर्मचारी का नाम प्रेम राजपूत बताया जा रहा है, जो पिछले 48 घंटे से प्रेम ना ही कुछ खाए थे और ना ही पानी पिया था। जानकारी के मुताबिक शुगर बीपी लेवल डाउन होने की वजह से प्रेम राजपूत बेहोश होकर गिर गया। काफी देर तक अफरा तफरी का आलम बना रहा। वहीं धरना स्थल के पंडाल जो हमेशा नारों से गूंजता रहता था, वहां सन्नाटा छा गया। दूसरे प्रदर्शनकारी इस घटना से डरे हुए मगर आंदोलन पर बने रहने की जिद जारी है। 19 जुलाई में आमरण अनशन पर संविदा कर्मी बैठे हैं। इसके साथ ही अनशन पर 2 और संविदा कर्मचारी की भी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। शासन द्वारा प्रदेश के संविदा कर्मचारी के वेतन में 27% की वृद्धि की गई है, जबकि वास्तव में 48% बढ़ोतरी होनी थी। शासन द्वारा संविदा कर्मी से अब तक कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया है।